हेल्थ इज वेल्थ। दोस्तों ये कहावत तो हम बचपन से ही सुनते आए, यानी कि अगर आपका स्वास्थ्य ठीक है तो वही आपके लिए सबसे बड़ी पूंजी है। और ये बात सच भी है, क्योंकि अगर हमारा तन स्वस्थ रहता है तो हमारा मन भी स्वस्थ रहता है। इसलिए अपने आप को फिट और हेल्दी रखने के लिए एक्सरसाइज भी बेहद जरूरी है। दुनिया में ज्यादातर लोग अपने दिन की शुरुआत एक्सरसाइज के साथ ही करते हैं, जो कि एक बहुत अच्छी बात है, क्योंकि बॉडी को एक अच्छा आकार व हेल्दी रखने के लिए एक्सरसाइज तो जरूरी है ही। एक्सरसाइज में रनिंग, जॉगिंग, योगा, जिमिंग जैसी चीजों को शामिल किया जा सकता है। रनिंग, जॉगिंग और योगा जैसी एक्सरसाइज तो नॉर्मल है, लेकिन अगर किसी चीज के सबसे ज्यादा फायदे या नुकसान है तो वो है जिमिंग। जिम में जाकर वर्कआउट करने के फायदे ये हैं कि जिम करने से आपकी बॉडी एक अच्छी शेप में आ जाती है, जिससे आपको एक अट्रैक्टिव लुक मिलता है। वहीं नुकसान ये है कि जिम करने से बॉडी के इंजर्ड होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, जिसमें भी सबसे ज्यादा खतरा मसल क्रैम्प्स या मसल्स के टेयर होने का होता है। कई बार मसल्स की इंजरी नॉर्मल होती है, लेकिन कभी कभी ये इंजरी इतनी ज्यादा हो जाती है कि इसके परिणाम बेहद ही घातक हो जाते हैं। और सिर्फ ऐसा नहीं है कि नए नए बॉडी बिल्डर्स या जिम करने वाले लोगों के साथ ही ऐसा होता है, बल्कि अच्छे अच्छे प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर्स के साथ भी इंजरी की ऐसी घटनाएं घट चुकी हैं जिसने उनका पूरा करियर ही बर्बाद कर दिया। और उन्हीं कुछ लोगों में से एक हैं स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है ये भाई साहब। दरअसल इनका नाम जो है और ये US नेवी में ऑफिसर हैं, लेकिन इस नाम से इन्हें बेहद ही कम लोग जानते हैं, क्योंकि ये इल्यूमिनाटी आयरन के नाम से ज्यादा फेमस हैं। US में नेवी ऑफिसर होने के साथ साथ ये एक सर्टिफाइड फिटनेस ट्रेनर भी हैं, लेकिन सर्टिफाइड ट्रेनर होने के बावजूद भी इनके साथ जिम करते वक्त एक इंजरी हो गई। दरअसल जब ये जिम कर रहे थे उस दौरान इनके बाइसेप्स का मसल टेंडन टूटने के कारण इनकी मसल्स ऊपर की ओर इकट्ठी हो गई और इस वजह से इनके दोनों हाथों में इंजरी हो गई। लेकिन ये हुआ कैसे? दरअसल इस दौरान इनसे काफी गलतियां हुई। पहली और सबसे बड़ी गलती थी ओवरवेट की। दोस्तों जो जिमिंग के दौरान बाइसेप्स कर्ल लगा रहे थे, और बाइसेप्स कर्ल एल्बो और ज्वाइंट मूवमेंट होता है, यानी कि इस दौरान मसल का सारा वेट एल्बो के ज्वाइंट यानी कि टेंडन पर होता है, और अगर इस दौरान ज्यादा वेट उठाया जाता है तो उसका सारा वेट टेंडन पर ही आ जाता है, जिससे उसके ब्रेक होने का खतरा बढ़ जाता है। और जो के केस में भी ऐसा ही हुआ। दरअसल इन्होंने बाइसेप्स कर्ल के लिए दो प्लेट्स उठा रखी थी जिनका वजन करीब 65 किलोग्राम था, और इतने ज्यादा वेट को इनकी बाइसेप्स की मसल्स झेल नहीं पाई, जिससे एल्बो और टेंडन टूट गई और मसल्स ऊपर की तरफ इकट्ठा हो गई। ओवरवेट के साथ साथ इन्होंने एक गलती और की। दरअसल जो इस एक्सरसाइज को प्रेशर बेंच पर कर रहे थे, और प्रेशर बेंच पर जब भी एक्सरसाइज की जाती है तो बॉडी को एक रिस्ट्रिक्शन मिलता है, और बाइसेप्स कर्ल लगाते वक्त इसे बाकी बॉडी का साथ नहीं मिल पाता। नॉर्मली कर्ल्स में बॉडी का वेट लगा करके वेट को उठा लिया जाता है, यानी कि उस वेट को उठाने में आपकी बॉडी आपकी हेल्प कर देती है, लेकिन प्रेशर बेंच पर आप फिक्स हो जाते हैं और पूरे का पूरा लोड बाइसेप्स पर ही आ जाता है। जो के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ कि ये सारा का सारा लोड उनके बाइसेप्स के टेंडन पर ही आ गया, और इसी वजह से ये इतनी बड़ी इंजरी हो गई। इतना ही नहीं, प्रेशर बेंच पर बैठने की इनकी पोजीशन भी ठीक नहीं थी। दरअसल ये प्रेशर बेंच पर बहुत नीचे बैठे थे, और जब भी हम प्रेशर बेंच पर काफी लो पोजीशन में बैठते हैं तो हमारी बॉडी का साथ हमारे बाइसेप्स को नहीं मिल पाता है, और इसके उलट अगर हम थोड़ी हाइट में बैठते हैं तो उस दौरान वेट उठाते समय बाइसेप्स को बाकी बॉडी, शोल्डर और बैक का साथ मिल जाता है, और जब लोअर पोजीशन में बैठते हैं तो पूरा लोड ज्वाइंट यानी कि बाइसेप्स के टेंडन पर ही आ जाता है, जिससे इसके टूटने के चांसेस हो जाते हैं। और जो के साथ भी ऐसा ही हुआ। दरअसल वे प्रेशर बेंच पर बहुत नीचे बैठे थे, जिस वजह से उनके बाइसेप्स को बाकी बॉडी का साथ नहीं मिल पाया, और सारा का सारा वेट बाइसेप्स पर ही आ गया, जिससे टेंडन टूटा और मसल्स ऊपर की ओर इकट्ठा हो गई। दोस्तों जो इस एक्सरसाइज के दौरान प्रोग्रेसिव ओवरलोडिंग ट्राई कर रहे थे, अब जो लोग नहीं जानते कि प्रोग्रेसिव ओवरलोडिंग क्या होती है, उन्हें बता दें कि प्रोग्रेसिव ओवरलोडिंग का मतलब है कि ट्रेनिंग के दौरान अपनी बॉडी पर स्ट्रेस डालना, जिससे बॉडी स्ट्रेस सहने के काबिल बन सके और इसे ग्रो होने में मदद मिल सके। लेकिन जो की सबसे बड़ी गलती ये थी कि वो इसे एक ही दिन में ट्राई कर रहे थे, यानी वो लगातार वेट को बढ़ाए जा रहे थे। पर एक दिन में प्रोग्रेसिव एक्सरसाइज करना सही नहीं होता, बल्कि ये कई वीक्स या मंथ्स का शेड्यूल होता है, यानी कि धीरे धीरे ही वेट को बढ़ाया जाता है, जिसमें धीरे धीरे बॉडी उस वेट को सहने या उठाने के काबिल बन सके, न कि एक ही दिन में। और जो ने यही गलती की कि वो एक ही दिन में प्रोग्रेसिव एक्सरसाइज को करने का ट्राई कर रहे थे, और इसी वजह से वो अपनी बाइसेप्स को इंजर्ट करवा बैठे। यही नहीं, जो इससे पहले भी जाने अनजाने में कुछ मिस्टेक्स कर रहे थे। दरअसल वे बाइसेप्स कर्ल के लिए 40-40 किलो के डंबल्स का इस्तेमाल कर रहे थे, और इतना वेट बाइसेप्स के लिए काफी खतरनाक होता है, यानी कि हमारी बाइसेप्स इंजर्ड हो सकती हैं, और इसी का परिणाम जो को बाद में मिला भी। तो दोस्तों देखा आपने कैसे एक छोटी सी गलती का जो को कितना बड़ा नुकसान उठाना पड़ा, वो भी एक सर्टिफाइड फिटनेस ट्रेनर होने के बावजूद।
इस दौरान इन्हें न जाने कितने असहनीय दर्द से गुजरना पड़ा होगा और इनकी बाइसेप्स को ठीक होने में न जाने कितना वक्त लगा होगा। पर इनकी इंजरी तो इसलिए सामने आ गई क्योंकि इनका वीडियो बन गया था, लेकिन ऐसे न जाने कितने बॉडी बिल्डर्स और जिम करने वाले लोग होंगे जो अपने शरीर को ऐसे ही इंजर्ड कर बैठते होंगे। ऐसे ही कई काफी अच्छे बॉडी बिल्डर थे जिन्हें इंजरी के कारण बॉडी बिल्डिंग को छोड़ना पड़ा। तो अगर आप भी जिम करते हैं तो उससे पहले कुछ बातों का ध्यान जरूर रखें ताकि आप भी किसी इंजरी का शिकार होने से बच सकें। और ये ऐसी सावधानियां हैं जो केवल मसल टियर से रिलेटेड नहीं है बल्कि पूरी जिम करने के दौरान आपको ध्यान रखनी चाहिए। दोस्तों, एक्सरसाइज के दौरान अत्यधिक पसीने से शरीर में पानी की कमी हो जाती है, इसलिए पूरा दिन और एक्सरसाइज के बीच बीच में भरपूर पानी पीते रहें। एक्सरसाइज करने के पहले या इस दौरान एनर्जी ड्रिंक्स पीने से परहेज करें क्योंकि ये शरीर में जाकर तुरंत एनर्जी में बदल जाते हैं। ऐसी स्थिति में अगर आप वजन घटाने या बॉडी को शेप में लाने की एक्सरसाइज कर रहे हैं तो आपके शरीर में जमा फैट की जगह एनर्जी ड्रिंक से मिली ऊर्जा का इस्तेमाल एक्सरसाइज के दौरान हो जाएगा और शरीर का फैट कम नहीं हो पाएगा। दोस्तों, एक्सरसाइज करते समय शरीर का तापमान भी बढ़ जाता है और पसीना भी आना आम बात है, लेकिन एक्सरसाइज के तुरंत बाद शॉवर नहीं लेना चाहिए बल्कि एक्सरसाइज के बाद शरीर को थोड़ा आराम देना चाहिए जिससे शरीर का तापमान अपने आप कम हो जाए। कोशिश करें कि एक्सरसाइज करने के एक घंटे बाद ही नहाएं। अक्सर लोग काफी देर तक एक्सरसाइज करते रहते हैं जब तक कि बॉडी पूरी तरह से थक नहीं जाती, लेकिन ऐसी एक्सरसाइज का क्या मतलब जिसे करने के बाद अस्वस्थ महसूस हो। तो उतनी ही एक्सरसाइज करें जितनी आपकी सेहत के लिए सही हो। साथ ही अपने जिम के ट्रेनर से ये भी जरूर पूछें कि जिम के दौरान क्या खा सकते हैं और क्या नहीं, क्योंकि कुछ लोग बॉडी बनाने के चक्कर में बाजारों में बिक रहे सस्ते फेक प्रोटीन पाउडर का इस्तेमाल भी करने लगते हैं। लेकिन आपको इन चीजों का इस्तेमाल करने से बचना है क्योंकि बाजारों में बिक रहा ये जहर आपके शरीर को अंदर से खोखला बना देता है। साथ ही दोस्तों, आपको किसी भी प्रकार के स्टेरॉइड का इस्तेमाल करने से भी बचना चाहिए क्योंकि इसके इस्तेमाल से आपकी बॉडी भले ही जल्दी बन जाएगी लेकिन इसके आगामी परिणाम बेहद ही खतरनाक साबित होंगे क्योंकि इनके इस्तेमाल से मसल्स और शरीर को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इन स्टेरॉइड्स का इस्तेमाल करके कुछ बॉडी बिल्डर्स की मसल्स भी बस्ट हो चुकी हैं, वहीं कुछ बॉडी बिल्डर्स की तो मौत भी हो गई थी। दोस्तों, स्टेरॉइड धीमा जहर है जो बॉडी को अंदर से धीरे धीरे खत्म करता रहता है, तो इन स्टेरॉइड्स का प्रयोग करने से हमेशा बचें। साथ ही दोस्तों, अपने आप को किसी से कंपेयर ना करें। दरअसल जब भी नए युवा जिम करना शुरू करते हैं तो जिस भी बॉडी बिल्डर को देखकर उन्होंने जिम शुरू की है वो खुद को उससे कंपेयर कर जल्दी बॉडी बनाने के चक्कर में अपनी बॉडी को इंजर्ड करवा बैठते हैं। इसलिए दोस्तों, अपने आप को कंपेयर किसी से ना करें क्योंकि आपको उनकी बॉडी देखने के साथ साथ ये भी ध्यान रखना है कि उन्हें वो बॉडी बनाने में कुछ सालों का समय तो लगा ही होगा, फिर आपकी बॉडी कैसे कुछ महीनों या हफ्तों में बन जाएगी। इसलिए हमेशा पेशेंस रखें और अपने जिम ट्रेनर की गाइडेंस में उतना ही वर्कआउट करें जितना आपकी सेहत के लिए ठीक हो, क्योंकि हम एक्सरसाइज इसीलिए करते हैं ताकि हमारी सेहत ठीक रहे। इसलिए जरूरत से ज्यादा एक्सरसाइज कर अपनी सेहत को खराब ना करें। तो एक्सरसाइज हमेशा करें लेकिन उतनी ही जितनी आपके शरीर के लिए फायदेमंद हो। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस के लिए बने रहिए इनसाइट रहस्य के साथ।